नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू SMS में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL और MTNL से जुड़ी हुई खास अपडेट के अंदर। आज मैं आपको बता दूँ कि आज है 31 जनवरी और आज था BSNL के अंदर विदाई समारोह है। और इस विदाई समारोह में सभी ने अपनी नम आँखों से, जितने भी BSNL एम्प्लॉई हैं जिन्होंने हार्ड वर्क करके अब तक BSNL को बनाए रखा है, और उनके परिश्रम को धन्यवाद देते हुए विदाई समारोह में विदाई दी और उन्हें एक सॉल और एक मेमेंटो के रूप में, कुछ भी एक गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में एक वस्तु प्रदान की। जैसे कहीं पर बैग, कहीं पर फूल माला तो दी ही है सभी को, साथ में बैग या फिर अन्य कोई वस्तु, सोने का, चांदी का सिक्का, ये सब वगैरह जो भी आप मोमेंटो में देना चाहते हैं वो भी सब लोगों को दिया गया था। और खाने का प्रोग्राम भी वहाँ पर साथ में रखा गया था। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से BSNL के कर्मचारियों की विदाई की गई। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना अच्छी तरह से ये विदाई का माहौल रहा। यहाँ पर आपको इस वीडियो में थोड़ा अगर आवाज़ आती है तो देख सकते हैं। अंतिम दिन उनकी मेहनत का फल किस तरह से मिला है और किस तरह से खुशी के माहौल में उन्होंने विदाई ली। और यहाँ पर उन्हें बोलने का मौका भी दिया गया जिससे कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके, और साथ ही BSNL के भावी जो भविष्य है उसके लिए लोगों को प्रेरित कर सके और अपने एक्सपीरियंस बता सके। तो इससे रिलेटेड उन्होंने यहाँ पर जानकारी भी दी। और यहाँ पर आपको बता दें, हर जगह पर लगभग बहुत सारे, किसी किसी जगह पर तो हर एक स्टाफ के द्वारा BRS ले लिया गया है, तो कहीं कहीं पर लगभग 60-70% कर्मचारियों के द्वारा BRS ले लिया गया है BSNL के अंदर। और टोटल मिलाकर के लगभग 76,568 लोग होते हैं जिनके द्वारा BRS लिया गया है। तो ये है सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र श्रीमती लता त्रिपाठी, सहायक टेक्नीशियन। इन्होंने 1997 से और 2020 तक सेवा काल के दौरान विभाग में अनुकरणीय व्यक्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो इसके लिए ये यहाँ पर विदाई समारोह में दिया गया लेटर है। और इस तरह से 31 जनवरी 2020 को BSNL की हिस्ट्री का ब्लैक डे बताया गया है यूनियंस के द्वारा। उन्होंने कहा है कि रिवाइवल ऑफ BSNL के नाम पर, और इस के साथ ही उन्होंने कहा कि ये ब्लैक डे है हिस्ट्री में अब तक BSNL के लिए, जिसमें 78,459 लोगों के द्वारा BRS लिया गया है और उन्हें घर भेज दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इसको अगर पॉजिटिविटी के साथ लें तो ये एक तरह से BSNL के उत्थान के लिए भी हो सकता है। तो ये पिक्चर क्लियर हो पाएगी लगभग 3 से 4 महीने में कि क्या ये इनका जो त्याग है वो BSNL के काम आता है या फिर ये एक घाटे का सौदा साबित होता है। ये तो पिक्चर 3 से 4 महीने बाद ही क्लियर हो पाएगी। लेकिन आज का दिन एक तरफ सभी की आंखें नम थी तो दूसरी तरफ BSNL के कर्मचारियों ने, जो कि इस समय कार्यरत है, उन्होंने इनको BRS में विदाई दे करके और जितना अच्छे से विदाई दे सकते थे पूरी कोशिश की है। इस हालात में BSNL की इस कंडीशन में, जबकि 3,000 रुपये तक BSNL के कर्मचारियों के लिए जो आता है वो भी नहीं आया था, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कराई थी। और यहाँ पर आप इनके चेहरे पर खुशी देख सकते हो कि जो BRS लेकर के जा रहे हैं ऑप्टीज, उन्होंने अपने परिश्रम का उन्हें अच्छा फल मिला है और उन्हें जो BRS दिया गया है उससे वो सभी खुश भी नज़र आ रहे हैं। वहीं ऑल BRS ऑप्टीज के लिए लेटर निकाला गया है, नोटिस जारी किया गया है, 30 तारीख को जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि पेन नंबर इन द नेम ऑफ गिविंग फ्री क्रेडिट कार्ड। तो इस लेटर को आप देख सकते हो, इसमें मैंने अभी तक पढ़ा नहीं था तो आप देख लीजिएगा। इसमें IFSC कोड ऑफ योर बैंक इन एनी पर्सन, तो इसमें मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्या है इसके अंदर। ऑल BRS ऑप्टीज आर हेयर बाई कॉजेंट नोट टू शेयर योर पेन नंबर IFSC ऑफ योर बैंक टू एनी पर्सन।
यानी कि इसमें बताया गया है वो फ्रॉड होता है, उससे रिलेटेड जानकारी दी गई है कि ऐसा नहीं है कि आप BRS ऑप्टीज हैं तो आप सारी जानकारी किसी भी व्यक्ति को दे रहे हैं। कहीं पर भी जैसे फोटोस्टेट की दुकान पर या फिर किसी भी अन्य आदमी से आप जब फॉर्म भरवा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी भी राहगीर को पकड़ करके फॉर्म भरवाया जा रहा है, या तो कंसर्न परिवार के सदस्य के द्वारा भराया जाए या फिर ऑफिस के ऑफिशियल अधिकारी के द्वारा ही वो फॉर्म भराया जाए। किसी को भी उसकी जानकारी अन्यथा ना दें अन्य कर्मचारी को। ठीक है, ये तो थी इससे संबंधित जानकारी। वहीं दूसरी तरफ PK परवार जी जो BSNL के CMD हैं, उनको BSNL CEO के द्वारा लेटर लिख करके बॉयकॉट किया गया है रिटायरमेंट फंक्शन का, और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनसेंसिटिव एटीट्यूड ऑफ द BSNL मैनेजमेंट टुवार्ड द BRS ऑप्टीज। तो एक तरफ से ये BSNL की जो यूनियन है उसके द्वारा बायकॉट किया गया है, यानी कि मना ही कर दी गई थी कि वो BSNL के इस फंक्शन में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने इसको इस तरह से लिया है कि BSNL का मैनेजमेंट एक तरह से BRS ऑप्टीज के जाने से खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी को भी किसी के भी विदाई समारोह में दुख आंखें नम हो ही जाती हैं और थोड़ा दुखी भी महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके चले जाने से ही सिर्फ BSNL फायदे में आ जाएगी, उनका एक्सपीरियंस की हमेशा BSNL को ज़रूरत पड़ने वाली है और वो हमेशा रहेगी और हमेशा वो याद आते रहेंगे, और वो अपनी सेवाएं भी अभी भी मैनेजमेंट ने उनकी सेवाएं मांगी है। तो आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी आप इस लेटर को देख लेते हैं एक बार कि इन्होंने क्या कहा है इसमें। इसमें कहा गया है कि BSNL मैनेजमेंट इज सो इनसेंसिटिव एंड इनह्यूमन टुवार्ड्स द BRS ऑप्टीज, मोर दैन 6,000 एग्जीक्यूटिव्स आर लीविंग BSNL टुडे, 6,000 एग्जीक्यूटिव्स आर लीविंग BSNL टुडे विथ हैवी हर्ट विदाउट गेटिंग देयर लेजिटिमेट प्रमोशन ड्यू टू द नेगेटिव और इनह्यूमन एटीट्यूड ऑफ द BSNL टॉप मैनेजमेंट। तो इसमें बताया गया है कि BSNL टॉप मैनेजमेंट के अच्छे व्यवहार की वजह से ना होते हुए ना ही तो थर्ड PRC मिला है, ना ही मतलब सारी जो प्रमोशन मिलने वाले थे वो भी नहीं मिले हैं और उनको रिटायर किया जा रहा है। तो इस तरह से उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है, ये उन्होंने बताया है इसमें। और उन्होंने बताया कि उन्होंने DOT और BSNL की लगभग 25 से और 40 साल तक सेवा की है, फिर भी उन्हें इतने लंबे समय के बाद भी उनका प्रमोशन ड्यू है, और सेम कैडर में 15 से 30 साल तक वो काम कर रहे हैं। दे कुड हैव गिवन प्रमोशन विदाउट एनी फाइनेंशियल इंडिकेशन टू द कंपनी इम्प्लीकेशन ऑफ द कंपनी। तो बिना किसी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के उनका प्रमोशन नहीं किया गया था उस समय भी, और अभी भी उनका पेंडिंग है। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ BRS वी मीट द टॉप BSNL मैनेजमेंट एटलीस्ट 20-30 टाइम्स प्लीडिंग फॉर देयर प्रमोशन। और हम लगभग 20-30 बार टॉप मैनेजमेंट से मिले हैं और उनसे इसके लिए रिक्वेस्ट की है, और मैनेजमेंट ने आखिर में जो कैश गिफ्ट दिया जाता था ₹3,000 का वो भी कट कर दिया है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि एट द सेम टाइम द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द BSNL इंक्लूडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर स्पेंडिंग लेविसली एंड एंजॉइंग द 5-star होटल अकोमोडेशन ऑन टूर, गिविंग एन इम्प्रेशन दैट द ऑस्टेरिटी मेजर्स आर ओनली फॉर एम्प्लॉयज नॉट फॉर द टॉप BSNL मैनेजमेंट। तो इन्होंने कहा है कि जबकि BSNL का टॉप मैनेजमेंट है वो 5-star होटल में इंजॉय कर रहा है और वहाँ पर अपनी फंक्शन कर रहा है, फिर भी मतलब कि BSNL के कर्मचारियों का, जबकि जो रिटायर होकर के जा रहे हैं उनको ₹3,000 का जो गैस गिफ्ट दिया जाना था वो भी नहीं दिया गया है। तो ये एक तरह से डबल मीनिंग वाला व्यवहार है। तो इसी तरह से इसको इंडिकेट करते हुए उन्होंने बताया कि ये एक तरह का इनह्यूमन एटीट्यूड है, और जिसकी वजह से BSNL टॉप मैनेजमेंट, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, SNEA ये सब, तो इसके खिलाफ SNEA ने डिसाइड किया है बायकॉट करने का, और इसके लिए उन्होंने CMD को लिखा है लेटर और कहा है कि आज के दिन वो ऑफिस बैरियर्स बियरर्स एंड मेंबर्स में पार्टिसिपेट। तो अन्य मतलब कि जो कर्मचारी हैं वो उनमें भाग ले सकते हैं, लेकिन यूनियन और यूनियन के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये सब देख सकते हो आप, ये सब BSNL के BRS ऑप्टीज का जो दृश्य है, किस तरह से दुखी मन से और अब विदाई का माहौल है, सभी की आंखें नम हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि कोई भी जिसमें जगह पर जिंदगी भर काम किया हो वो इस तरह से विदा नहीं होना चाहेगा बगैर फाइनल टाइम हुए। यानी अगर 60 इयर्स के बाद अगर वो जाते तो उन्हें बहुत खुशी होती और उनकी खुद की प्लानिंग रहती, लेकिन अभी जब उनको बिना एकदम से बगैर 60 इयर्स हुए और पहले ही उनको विदाई दे दी गई है, तो किसी का चेहरा गमगीन है तो किसी के चेहरे पर पैसे मिलने की खुशी भी नज़र आती है।
तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। और विदाई में उन्होंने कोई भी कसर नहीं रखी है, अच्छी खासी फूल मालाएँ पहना करके और बहुत अच्छे से, इतने ज़्यादा कर्मचारी होते हुए भी जितना बेस्ट वो दे सकते थे उन्होंने दिया है और अच्छे से विदाई की है और सभी व्यवस्थाएं की थी, गाने वगैरह सॉन्ग्स वगैरह की। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है यूनियंस की असर, वहीं आप ये लास्ट देख सकते हो फाइनल रिटायरमेंट ऑर्डर ऑफ BRS ऑप्टिक 2019 ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम द कोर टीम इज फॉरवर्डेड हेयर विद द नेसेसरी एक्शन प्लीज। तो ये ऑर्डर जारी कर दिया गया था तो सभी को आज ये ऑर्डर मिल चुका होगा BRS से रिलेटेड, और ये काफ़ी लेट कहीं कहीं पर थोड़ा लेट हो गया था तो कल आपको मॉर्निंग में ले लीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम का आज ही ऑर्डर निकाल दिया गया है। और इसके अलावा जो टफेस्ट टाइम है इस समय BSNL का, उसके लिए भी यूनियंस ने लिखा है। और जो भी E2 and E3 ETC 30% सुपर एनुएशन बेनिफिट, थर्ड PRC पेंशन रिवीजन, इनके लिए उन्होंने लिखा है कि इसके लिए हमने खूब कोशिश की थी लेकिन ये जो BRS ऑप्टीज हैं उनको ये इसका फ़ायदा नहीं मिल पाया, ना ही प्रमोशन का फ़ायदा मिल पाया है, जबकि हम लगभग 20 से 30 बार जा कर के टॉप मैनेजमेंट से हमने बात की है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू SMS को। धन्यवाद।